हाँ तो किसान भाइयों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमारे पूरे इंडिया के अंदर, अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं, तो तीन टेक्निकल कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो कि हमारे किसान भाई धान की फसल के अंदर यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, मैं इस वीडियो के अंदर आपको उन तीनों प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा और बाद में ये भी बताऊंगा कि उन तीनों प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट आप लोगों के लिए बेस्ट है। वो मेरी धारणा है, वो मेरे एक्सपीरियंस है। आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, आप लोग क्या सोचते हैं उन प्रोडक्ट के बारे में, तो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं किसान भाइयों, हमारे किसान भाई जो तिल्ले माहू चेपे की रोकथाम के लिए प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो कि टेक्निकल होता है, एक तो ट्राईफ्लू मेजोपायरम जो कि WG फॉर्मुलेशन में भी आता है और SC फॉर्मुलेशन भी आता है, इन दोनों प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो ब्रांड नेम आते हैं। दूसरी बात आती है एक पाइमेट्राजीन प्लस में डायनोटोफ्रान का कॉम्बिनेशन भी मार्केट के अंदर पिछले 2 साल से आया हुआ है तिल्ले माहू चेपे की रोकथाम के लिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टेक्निकल, कौन सा प्रोडक्ट आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा और जो कम खर्चे में भी काम चलाएगा और बेस्ट रिजल्ट भी देगा, कितनी मात्रा में यूज करने हैं इनको, कितने रुपए के आपको पड़ते हैं और किस टाइम पे हमको इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये तमाम तरह की जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए किसान भाई वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त रामेहर और स्वागत करता हूं आपका नई वीडियो में। किसान साथियों, इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं ट्राईफ्लू मेजोपायरम जो टेक्निकल होता है, पहले ब्रांड नेम की बात कर लेते हैं, जो कि पिछले कई सालों से हमारे किसान भाई यूज़ कर रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, काफ़ी अच्छे उसके परिणाम हैं तिल्ले माहू चेपे की रोकथाम के लिए, फसल के अंदर काफ़ी लंबे रिजल्ट भी हैं उनके, जो कि तिल्ले माहू चेपे की रोकथाम करके रखते हैं वो प्रोडक्ट। उसका नाम है किसान भाइयों डाउ कंपनी की, यानी कि कोर्टेवा कंपनी की पैक्सालोन। अब बात कर लेते हैं, ये तो आता है टेक्निकल, इसके अंदर टेक्निकल जो इसका है ट्राईफ्लू मेजोपायरम, ये आता है SC फॉर्मुलेशन में। और अगर हम बात करें अगले प्रोडक्ट की जो WG फॉर्मुलेशन में आता है, वो आता है किसान भाइयों सिजेंटा कंपनी की विस्टोरिया। जी हाँ किसान भाइयों, इसके अंदर भी सेम टेक्निकल है ट्राईफ्लू मेजोपायरम, जो कि WG फॉर्मुलेशन में आता है, जिसके अंदर आई थिंक 20% में होता है WG फॉर्मुलेशन में जो ट्राईफ्लू मेजोपायरम है। ये दोनों प्रोडक्ट तिल्ले माहू चेपे की रोकथाम के लिए काफ़ी बेस्ट हैं। अब अगर बात करें कि इन दोनों के अलावा, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में एक और टेक्निकल कॉम्बिनेशन की बात की थी, जिक्र किया था उसके बारे में, तो वो है पाइमेट्राजीन प्लस डायनाटोफ्रान। जी हाँ किसान भाइयों, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, अगर मैं बात करूँ तो PI कंपनी का डिस्ट्रप्टर जो ब्रांड नेम से आता है, बाकी वो हर कंपनी का लगभग आपको मिल जाएगा मार्केट के अंदर। तो ये है तीसरा टेक्निकल कॉम्बिनेशन, जो कि ब्रांड नेम है PI का डिस्ट्रप्टर। एक पैक्सालोन हो गया, विस्टोरिया हो गया और डिस्ट्रप्टर हो गया। अब बात करेंगे कि हमें किस डोज के ऊपर इनका यूज करना है। देखिए किसान भाइयों, जो विस्टोरिया और पैक्सालोन है, ये तो बिल्कुल सेम टेक्निकल है, फर्क ही कितना है इसके अंदर, मेरे ख्याल से मैंने पिछले साल वीडियो बनाई थी, जब पिछले साल विस्टोरिया आया था तो उसके ऊपर वीडियो बनाई थी मैंने कि पैक्सालोन और विस्टोरिया के अंदर कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है, तो उसके अंदर मैंने पूरी डिटेल से बताया था आप लोगों को। वीडियो के आई बटन में आपको दिखाई दे रहा होगा या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये टेक्निकल बिल्कुल सेम है, सिर्फ इनकी फॉर्मुलेशन अलग है और इनकी डोज अलग है। डोज अलग कैसे है, वो जो विस्टोरिया के अंदर है वो थोड़ी उससे पैक्सालोन से दुगनी मात्रा में दे दिया गया है, उसकी डोज कम कर दी गई है, बट जो पैक्सालोन के अंदर है वो कम टेक्निकल की मात्रा है उसके अंदर और उसकी डोज उससे ज़्यादा है। लेकिन मैंने उस वीडियो के अंदर रिकमेंड किया था कि देखिए पुराना प्रोडक्ट है, ये नया आया है, इसके भी रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, इन दोनों में से आप लोग कोई सा यूज़ कर लीजिए, इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, 25 से लेकर 35 दिनों तक की रोकथाम आपके खेत के अंदर से, आपकी धान की फसल के अंदर से ये तिल्ले माहू चेपे की रोकथाम को करके रखता है। तो इन दोनों प्रोडक्ट में से आप लोग कोई सा यूज कर लीजिए, बिल्कुल सेम चीज है, सेम टेक्निकल है दोनों के अंदर। हाँ वो बात अलग है कि आप लोग, जैसे हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं पैक्सालोन का यूज काफी टाइम से कर रहे हैं, उसके ऊपर विश्वास बना हुआ है, जो विस्टोरिया है वो पिछले साल आया था प्रोडक्ट, पिछले साल उसके रिजल्ट देखे गए थे तो अच्छे रिजल्ट थे उसके, बिल्कुल सेम टेक्निकल हो गया तो रिजल्ट तो इसके अच्छे होंगे ही होंगे और लंबे रिजल्ट थे, बिल्कुल स्वस्थ रही थी फसल और बिल्कुल तिल्ला माहू चेपा मुक्त रही थी, बिल्कुल नीचे से लेके ऊपर तक स्वस्थ फसल रही थी। तो बात कर लेते हैं डिस्ट्रप्टर के बारे में, जिसके अंदर टेक्निकल कॉम्बिनेशन आता है पाइमेट्राजीन प्लस
इसके अंदर डायनाटोफ्रान जो कि चैस और प्लस ओसिन वाला टेक्निकल कॉम्बिनेशन है, साल्ट है। तो जो पहले आप लोग टेक्निकल यूज कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं सिजेंटा, जैसे चैस है, पीआई की ओसिन है, तो उन दोनों प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन पीआई कंपनी ने इसके अंदर दिया है, पाइमेट्राजीन प्लस डायनाटोफ्रान का। तो आप लोग तिल्ले माहू चेप की रोकथाम के लिए ये प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी धान की फसल के अंदर। लेकिन फिर बात वहीं पर आ जाती है कि इन तीनों के अंदर कौन सा बेस्ट है। देखिए, इन तीनों के अंदर नहीं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन दोनों के अंदर कौन सा बेस्ट है। जी हाँ किसान भाइयों, देखिए, क्योंकि विस्टोरिया और पैक्सालोन तो बिल्कुल सेम ही है, और इसके अंदर जो डिस्ट्रप्टर है वो अलग अलग कैटेगरी आ जाती है, वो अलग कॉम्बिनेशन है। तो मैं रिकमेंड करूंगा, मेरे हिसाब से अगर आप लोग बेस्ट से बेस्ट अगर चाहते हैं कि रिजल्ट भी अच्छा मिले, तो डिस्ट्रप्टर से बेस्ट तो आपको पैक्सालोन या विस्टोरिया में से कोई भी चुन सकते हैं। बाकी आप लोगों के क्या थॉट हैं, आप लोगों के क्या धारणा है इनके प्रति, आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा पैक्सालोन या विस्टोरिया में से कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लीजिए अगर आपको अच्छे और लंबे रिजल्ट चाहिए। वैसे प्रोडक्ट डिस्ट्रप्टर भी वो नहीं है, बेकार नहीं मैं बोल रहा उसको, लेकिन रिजल्ट उसके थोड़े कम है, और कई कई जगह पे तो उसके रिजल्ट भी बहुत ही कम देखने को मिले थे। तो पैक्सालोन के जो रिजल्ट हैं, पैक्सालोन और विस्टोरिया के, उनके रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे। सिर्फ कहने का मतलब मेरा ये है कि डिस्ट्रप्टर जो ये कॉम्बिनेशन है, पाइमेट्राजीन और डायनाटोफ्रान का जो कॉम्बिनेशन है, इससे बेस्ट है जो ट्राइफ्लूम है, जो पायरम है, यानी कि पैक्सालोन या विस्टोरिया, तो उससे बेस्ट तो वही रहेगा। थोड़ा खर्चा तो जरूर बढ़ जाएगा आपका, मेरे ख्याल से 200 या 250 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से, लेकिन काम बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। तो आप लोग, मैं तो रिकमेंड करूँगा, मेरे हिसाब से तो अगर मैं पूरे इंडिया के अंदर बात करूँ, तो इस टाइम पे तिल्ले माहू चेप्पे की रोकथाम के लिए इनसे अच्छा टेक्निकल कोई भी नहीं है। फिर चाहे कॉम्बिनेशन करके हो, चाहे कुछ भी हो, जो ट्राइफ्लूम है, जो पायरम है, तो जो ये टेक्निकल है इसके अंदर, जो पैक्सालोन या विस्टोरिया के अंदर, तो इन टेक्निकल के अलावा पूरे इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो इनके अलावा कोई टेक्निकल ऐसा नहीं है जो कि इतने अच्छे से और इतने लंबे समय तक तिल्ले माहू चेप की रोकथाम हमारी धान की फसल के अंदर कर सके। देखिए, मैं इतने टाइम से वीडियो बना रहा हूँ अपने किसान भाइयों के लिए, मैं फील्ड में भी जाता हूँ, उनके एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ। कोई पर्सनली ये मत लेना कि इन प्रोडक्ट के ये प्रचार कर रहे हैं, मैं किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ प्रचार करता हूँ अच्छी चीज़ का, अच्छे प्रोडक्ट का। फिर चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसका किसान को रिजल्ट मिलना चाहिए, परिणाम मिलना चाहिए। अगर पैसा हमारा किसान भाई खर्च कर रहा है, तो उसका रिजल्ट अगर अच्छा नहीं होगा, तो वो पैसा भी दुखता है और हमारा काम भी नहीं बनता है, फसल भी ख़राब हो जाती है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना है, मकसद है कि अच्छी से अच्छी जानकारी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूँगा अपने चैनल के माध्यम से। तो हमसे जुड़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के अंदर भी मैं ऐसे कॉम्बिनेशन या कौन से प्रोडक्ट बेस्ट रहते हैं। और सबसे बड़ी बात हमारे चैनल की यही है, जब से शुरू किया है तब से लेके आज तक, कि हम नए से नए प्रोडक्ट की जानकारी आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहले जब भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है, उसके तुरंत बाद कुछ दिनों बाद हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आ जाती है। किसी भी कंपनी का कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, किसी भी समस्या के लिए, बीमारी के लिए, या कीट के लिए, कोई भी प्रोडक्ट, या बायो हो, तो कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है, सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर आपको वीडियो देखने को मिलती है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी को दबा लीजिए, ताकि नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए किसान भाइयों, बात कर लेते हैं इनकी डोज की। जो कॉम्बिनेशन में आता है पाइमेट्राजीन प्लस डायनाटोफ्रान का कॉम्बिनेशन, उसकी डोज रहती है किसान भाइयों 133.2 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और जो पैक्सालोन या विस्टोरिया है, पैक्सालोन की डोज रहती है 93 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और विस्टोरिया की डोज रहती है 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। जी हाँ किसान भाइयों, सिर्फ यही फर्क है इसके अंदर कि वो ml में है, वो ग्राम में है, आप लोगों की अगर मैं भाषा में बात करूँ तो सिर्फ यही फर्क है। इन दोनों प्रोडक्ट में से आप लोग कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो बेस्ट इन दोनों प्रोडक्ट में से कोई सी भी चुन सकते हैं आप। प्रोडक्ट आप लोग यूज कर सकते हैं, 25 से लेकर 35 दिनों तक का रिजल्ट आपको आसानी से मिल जाता है। तो मैं तो इसके अंदर, आप लोग भी अपने कमेंट करना कि आप लोगों को कौन से प्रोडक्ट के रिजल्ट अच्छे लगते हैं। तो यही सब था किसान भाइयों, इन तीन प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया कि पैक्सालोन, विस्टोरिया और डिस्ट्रप्टर में से कौन सा प्रोडक्ट आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। तो मेरे ख्याल से जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक
कर दीजिएगा, अपने किसान भाई में जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी इस जानकारी का पता लग सके। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल के द्वारा नए से नए प्रोडक्ट की जानकारी और खेती से संबंधित जानकारी पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।